देखो दोस्तों, मेरे पीछे एक ये टाटा मैजिक खड़ा हुआ है, जैसे गोल्ड। इसके अंदर 2021 मॉडल है ये। मतलब भाई इसके अंदर क्या काम हुआ है, क्या इसमें एक जुगाड़ की गई है, मैं आपको बताता हूँ आज पूरी डिटेल के साथ। मतलब मैं नहीं बताऊँगा, हमारा एक मैकेनिक है जिन्होंने इसके अंदर जुगाड़ बानी करी है। क्या जुगाड़ करी है और कैसा, मतलब बंदे के साथ क्या चोट हुई है और क्या नहीं हुई, सब डिटेल आपको हमारा भाई बतलाएंगे आज। बने रहा है ब्लॉग में। देखो दोस्तों, ये आपके सामने 2020 मॉडल टाटा एसी गोल्ड डीजल वेरिएंट में गाड़ी। इसके मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। इसका पूरा इंजन ही बना भाई, हमारा अज्जू भाई ने इसका इंजन बनाया है। यहाँ पे शोरूम पे बना है, कंडीशन आप देखो अंदर से। ये इसका ECM लग रही है पूरा, जो इसका जो हार्ड होता है ना वो कहते हैं ECM। सीटों में भी लगा रहता सीट के पीछे, और अंदर से इसकी कंडीशन देखो। और इसकी 2020 मॉडल गाड़ी की मतलब इंजन बन गया है इसका। और इसके अंदर यूरिया जो सिस्टम रहता है, क्यों आजर भाई क्या क्या कहा इसमें, मतलब क्या क्या मिस्टेक आ गई थी इसके अंदर? इसमें ना गाड़ी वाले ने क्या, इसके BS6 है, इसमें साइलेंसर में ना पानी का प्रेशर लगा दिया था। पानी का प्रेशर लगा दिया था। हाँ। तो इसके लिए इसके ना मतलब स्टार्टिंग वगैरह सब भूल गई थी। हाँ। वो गाड़ी फिर मतलब लोड पड़ा था तो ब्रेक करने लग गई थी। अच्छा। हाँ, फिर इसके लिए अपन ने इसका इंजन बनाया। तो अब इसकी ना यूरिया वाली मोटर खराब हो गई, जो 26,000 रूपए की आती है। यूरिया की मोटर 26,000 रूपए की? गाड़ी यूरिया नहीं ले रही है। अच्छा। तो अपन ने ना इसका SM चेंज कर दिया, सादा वाला लगा दिया। हाँ। सामान कुछ भी नहीं खोला है। हाँ। डायरेक्ट ESM चेंज कर दिया अपन ने। ये ECM बिना यूरिया वाला लगा दिया। हाँ। पुराना वाला। हाँ। तो चल जाएगी इससे गाड़ी? चल जाएगी, अब इसमें यूरिया की कोई लाइन नहीं है। क्या बात है, शादी हो चुकी है, सिर्फ ECM लगने का। यार ये तो बहुत शानदार जुगाड़ है यार, मतलब। हाँ। तो ऐसा हो जाता है क्या? हो जाता ना। अब अपन का जो इशू रहता ना, मतलब जैसे कि ACM से, मतलब जो अपने उसमें बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। हाँ। कि अपने यूरिया वाले का भी कनेक्ट है, इसमें डाटा वगैरह सब रहता है। हाँ। अब अपन ने सादा वाला लगाया तो ACM यूरिया वाला सारा सिस्टम हट गया। अच्छा। अब वो मोटर जाके जी रखी रहेगी। हाँ। सारी लाइन वैसी रखी हुई है, कुछ भी नहीं खोला, सिर्फ ACM। कितने का आता है ये वाला नॉर्मल वाला, सादा वाला? इसमें ना 20,000 रुपए का खर्चा आया। 20,000 रुपए ये नया लेके आया? हाँ, 20,000 का आया। और वो 26,000 का आ रहा था? हाँ, वो मोटर आ रही थी, ऐसे नहीं आ रहा था। अच्छा। और वो अगर डाल देते हैं उसके बाद भी क्या मालूम, गारंटी लेके चले नहीं चले, इसका जो इंजन आपने बनाया है भाई, तो इसमें क्या खर्चा आया इंजन का? इसमें इसका खर्चा बढ़ गया है, जैसे अपन ने नॉर्मली बनवाया है। हाँ। सामने वाले ने जनरल नहीं करवाया था, पूरा काम नहीं हुआ, हेडमेट का काम हुआ है, हेड का भी हुआ, ब्लॉक का भी हुआ, बाकी जैसे रिंगे डलवाई है, पिस्टन वगैरह नहीं डलवाए। अच्छा। तो इसमें 14,000 से 15,000 रुपए का बजट है इंजन में, और क्लच प्लेट वगैरह भी डली है। क्लच प्लेट कितने की डलती है इसकी? इसकी क्लच प्लेट डल जाती है 3,500 से 3,600 रुपए का समथिंग हो जाती है काम। यार ये बताओ आप मुझे कि इसका एवरेज क्या निकलता है अभी? क्या एवरेज कम निकालेगी, ज्यादा निकालेगी? अभी यूरिया तो खत्म हो गई, तो नहीं, अब एवरेज बढ़िया देगी ना। बढ़िया देगी। यूरिया लेता है, प्रदूषण के लिए डाला था कंपनी ने। हाँ। प्रदूषण नहीं दे। हाँ, क्या धुआं वगैरह नहीं दे गाड़ी, क्योंकि जो बीच में प्रदूषण ज्यादा चल रहा था ना, इसके बीच में कंपनी ने लॉन्च की थी गाड़ी। कितने दिन में बना दिया आपने इसका इंजन? इसका 2 दिन में हो गया था। 2 दिन में इंजन बना दिया? हाँ। यही लगा रहे था ना नीचे इंजन? हाँ, इसके नीचे ना इंजन। ये क्या है? ये कवर है। यार ये तो बहुत शानदार जुगाड़ करी यार अजर भाई आपने, मतलब ECM में वो यूरिया खत्म कर दिया। हाँ, यूरिया खत्म हो गया इसका। मतलब यूरिया वाली गाड़ियों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? इसका यूरिया वाली के लिए अब यही काम बेहतर है, यही काम। नॉर्मल वाली गाड़ी ले लो आप, नई गाड़ी तो मेरे हिसाब से मतलब लेना नहीं चाहिए, बेकार गाड़ी है ना यूरिया वाली, बेकार है। ये है इंजन इसका, गाड़ी यूरिया वाली है, बाकी अब शादी हो चुकी है, सादा हो गई है गाड़ी। मतलब नई गाड़ी जो यूरिया में लोग लेना ही पड़ेगा, नहीं मजबूरी तो क्या करेंगे आदमी। हाँ, वो तो ठीक है, बाकी ले लो बस, कागज पे मत चढ़ाओ कि हमारी शादी हो गई है, ये चीज को बचा लो। अच्छा। ये तो मतलब गजबी की हो गया। अब देखो आप 2020 मॉडल ही है ना ये? हाँ, 21 मॉडल है। हाँ, स्टार्ट करके बताना इसे। वाह यार, देखो आप सादा ECM से ये अपने यूरिया वाली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, काफी बढ़िया। और एवरेज वगैरह पिकअप मिकअप में कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। तो ये तो बहुत बढ़िया, भाई ने एक शानदार एक रिजल्ट निकाला यार। मतलब पूरी तरीके से लोड लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, चला के देख लिया आपने अच्छे से? कितनी दूर तक चला ली? इसके
कि हमने रनिंग की कम से कम 7 किलोमीटर की। 7 किलोमीटर लोड भी डाल के देखा गाड़ी। लोड भी कितना डाल दिया इसमें? हमने 7 क्विंटल 8 क्विंटल लोड डाल के 7-8 क्विंटल लोड आराम से डाल लिया और ले गई। लेकिन ये लोड तो 20-22 क्विंटल ले जा रही होगी। देखती है बाकी अपन ने क्या इसका इंजन बना रहा इसलिए इससे ज्यादा लोड नहीं किया। मतलब वो तो चलेगी भाई। आप लोग देखो कितना शानदार भाई ने एक जुगाड़ निकाली कि ECM जो यूरिया का लगा था वो ECM सादा कर दिया इस गाड़ी 2021 मॉडल टाटा एस गोल्ड का भाई, डीजल गाड़ी का। मतलब गजब ही हो गई ये बात तो। और ये भाई ने इतनी शानदार से जुगाड़ निकाली। कोई काम करवाना है तो भाई के नंबर में मेंशन कर दूंगा, आप कॉल कर सकते हैं भाई को। और ये भाई का लोकेशन अपने इधर ही मिलेगी, कुरावर MP में, खोखरा में मिलेंगे भाई। और बहुत बढ़िया वर्कशॉप है भाई का। अभी जीतो भी मैं अपना काम में ऑयल करवाना है, क्यों भाई ज़्यादातर काम मैं भाई से कराता हूँ। इंजन वगैरह तो खैर कभी सर्विस वगैरह करवानी होती है तो हर चीज़ मैं भाई से कराता हूँ। बढ़िया काम करा भाई ने तो मैं तो सुन के ये हैरान हूँ कि यूरिया वाली कंपनी ने, मतलब कंपनी ने यूरिया दिया और भाई ने सादा कर दी। तो हाँ तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ यार, तो हजार भाई ये एक पहली गाड़ी आपने करी है या और भी कोई गाड़ी कर दी आपने? इससे पहले एक और गाड़ी हो चुकी है मेरे पास में, बकान की गाड़ी थी। बकान? हाँ, हाँ। उसकी भी अपने यहाँ से तो कितना किलोमीटर है वो बकान? से 6 किलोमीटर समथिंग पड़ता है, 6-7 किलोमीटर। हाँ। तो उसकी भी आपने यूरिया कर दी? हाँ, चल रही खूब आराम से, आराम से चल रही। कितना टाइम हो गया उसे करे हुए? उसको हो गया समथिंग 2 महीने का समथिंग हो गई यहाँ से गए। मतलब सक्सेस हो गया काम? सक्सेस हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया यार। ये तो ये दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है वो। देखो अपनी गाड़ी में कितना ऑयल निकला देखना। और भाई क्या हाल है? तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बतलाई है, जैसे कि टाटा मैजिक इसके अंदर इंजन के अंदर कैसे काम आया, एक बंद इस जो भाई ने किसी के कहने में साइलेंसर के अंदर, मतलब लोड नहीं ले रही थी। हालांकि काम तो इसमें पहले से आ गया था लेकिन ज़्यादा काम इस वजह से आ गया, तो ये लोड नहीं ले रही होगी ये गाड़ी, पिकअप नहीं बना रही थी। तो शायद वो पिकअप कुछ और वजह से नहीं बना रही हो, तो किसी बंदे ने इससे कह दिया कि इसका साइलेंसर चोक है, तो उसके अंदर इन्होंने पानी का प्रेशर मार दिया इसका साइलेंसर में। तो ये इसका जो साइलेंसर भाई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ये अब यूरिया वाली, तो इसका इंजन वगैरह बैठ गया हेड, ठीक है। एक प्लस ये होगा इसका, ये जो आपने देख लिया ठीक है। अब इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए मैकेनिकल लाइन में तो आप मुझे बता सकते हैं। और भाई अपनी जो गाड़ी जीतो थी है उसकी अपन ने सर्विसिंग कराई है, ऑयल फिल्टर चेंज कराया, ऑयल चेंज कराया है, वो सब चीज़ चेक कराई है, वो आपने देख ली। ये नॉलेज कैसा क्या लगा बने रहा है ब्लॉग के अंदर और चैनल में बने रहे हैं भाई, चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि ऐसी नॉलेज और वीडियो आपको मिलती रहे।